मोमिनपुरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज की ओर से मुस्लिम ग्राउंड पर सर्वधर्म ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मराठा, ओबीसी, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम ऑल इंडिया एकता फोरम की ओर से आयोजित किया था। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने INBCN से बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, इस समय में INBCN की टीम है मोमिनपुरा के उस फुटबॉल ग्राउंड में जहां पे ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनको 390 जयंती जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ सात समंदर पार यानी पूरे विश्व में मनाई गई। इसी श्रृंखला में आज मोमिनपुरा के फुटबॉल ग्राउंड में आज यहाँ पे एक सभी जाति धर्म पंथ के लोग ऐतिहासिक सम्मेलन के तौर पर आज आए हुए। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम का आगाज हुआ, किस तरह प्रोग्राम लिया जा रहा है। सर आप बताइए कि जिस तरह से आज ऐतिहासिक सम्मेलन जो लिया गया है कितना महत्वपूर्ण है? आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल अपने जो जातिवाद का विवाद चल रहा है उसके लिए शिवाजी का ये दिन मनाना बहुत ही जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो शिवाजी के नाम पर जो गलतफहमियां फैलाई गई है कि वो एक किसी विशेष धर्म के विरोधी थे, ऐसा नहीं था। वो सब धर्म को प्यार करते थे और सभी के साथ मिलकर चलते थे और सभी उनकी फौज में थे। हिंदू मुस्लिम सब से वो मोहब्बत करते थे और देश की तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है, मानवता के लिए काम किया है। इसी के लिए हम उनका जो आज अतिथि मना रहे हैं यहाँ पे आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर में ओबीसी, सिख और मुस्लिम समाज तीनों एकत्रित हुए हैं और इंसानियत को प्यार करने वाले सभी यहाँ आए हुए हैं मानवता को प्यार करने के लिए। और ये बहुत अच्छा माहौल है कि ये जो जात पात का और जो डर का जो माहौल बनाया गया है पूरे देश भर में, इस चीज़ से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्म एक मंच के ऊपर एकत्रित हुए हैं, सभी धर्मों के लोग आप यहाँ देख रहे होंगे, सिख भाई, ओबीसी के और मुस्लिम समाज सब एक ही मंच पर विराजमान है। और ये बहुत अच्छा संदेश है मानवता के भले के लिए और देश की प्रगति के लिए, बहुत अच्छा संदेश जाएगा आज। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा संदेश है। ऐसी बात इस समय में एक वीर जीते उन्होंने किया, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज हमारे को जो एक ये सम्मेलन किया गया है, शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है इस तरह शायद पहले कभी ऐसे मनाई गई हो। और ये जो एक कोशिश है बहुत अच्छी कोशिश है कि आगे भी हमको ये एम देते हैं कि आगे भी जिस तरह अपन को ये कोई भी अपना जयंती मनाई जाए, सभी जने मिलके मनाए जाए, सब धर्म के लोग उसमें हो, ये ना कि एक ही धर्म के लोग हो। ये एक हिंदुस्तान की एक खासियत है जो हमको आज यहाँ दिख रही है और सब लोग देख रहे हैं। मैं इस समय बहुत खुश हूँ कि जो सब धर्मों के जो समाज है मिल करके शिवाजी जयंती को ये बड़े उच्चे पदर पे मना रहे हैं, उनका सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, ये जात पात के लिए लोगों को बांट रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल सर, बताइए कि ये सबसे पहली ऐसी बार है कि जो नागपुर शहर के इस मोमिनपुरा के फुटबॉल ग्राउंड पे इस तरह का ये जो प्रोग्राम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती मनाई जा रही है, कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको और क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? असल में ये प्रोग्राम हमारा लेने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क भारत में जो भी आपस में नफरत घोली गई है, ख़ास तौर से जिनके भी तरफ से घोली गई है, उनका नाम नहीं लेता मैं, सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है, तो हम इस नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज इनकी जो तारीख़ स्कूलों में पहले पढ़ाई गई वो बहुत गलत ढंग से पढ़ाई गई कि शिवाजी वो एक क्रूर किस्म के आदमी थे, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़ी, ये सब बातें जो फैलाई गई है ये गलत बातें, गलत तारीख जो दूसरों की तरफ से आम हुई है, वो तारीख को ख़त्म करने के लिए लोगों में सही मैसेज जाए, सही बात आए कि शिवाजी किस किस्म के आदमी थे। मैं सबको शिव जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो आयोजक है यहाँ के सब आयोजक का मैं अभिनंदन करता हूँ कि लेट हो रहा है लेकिन हो रहा है, टाइम पे हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राजा थे कि जिसके स्वराज्य में सब जाति के सरदार थे, सभी मिलके उन्होंने स्वराज्य की निर्माण किया हुआ है। ये संदेश ये देश में जाना चाहिए। मैं आज सबसे पहले आप सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं दूंगी।
और शिवाजी महाराज के जो विचार थे वो आज के जग में वो उसकी जरूरत है। आज महिलाओं पे जो अन्याय हो रहे हैं उसके लिए शिवाजी महाराज ने सबसे पहले महिलाओं को न्याय दिया था, तो आज हो रहा है क्या? इसीलिए आज जयंती साजरी मनाना जरूरी हो गया है। जय जिजाऊ, जय शिवराय। आज यहाँ पे शिवाजी महाराज की जयंती जो ऑल इंडिया एकता फोरम की तरफ से मनाई जा रही है, ये बहुत ही एक मुझे ये ऐसे प्रसंग लग रहा है कि यानी बहुत ही देश भर में इस तरह की यानी जयंतियाँ हो, कभी यानी शिवाजी के नाम पे हो, कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे हो, कभी गुरु नानक के नाम, सब एक एक जगह आए और ये सब मनाए। तो आज ये मुस्लिम भाइयों ने जो ये बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारतीय देश सभी धर्मों के लोगों का देश है। इस देश में बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम आदि लोग रहते हैं और इसलिए इस देश में एकता का जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए शिव जयंती हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, ऐसे जो महामानव है उन लोगों के जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग इकट्ठा आना, ये मुझे लगता है कि आज की जरूरत है और इसी से ही देश का जो देश की जो प्रगति हो, भाईचारा वो बढ़ेगा, इसलिए शिव जयंती को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। हमने देखा कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, मराठा और ओबीसी ये जो तमाम लोग हैं आज यहाँ पे फुटबॉल मैदान पे आए हुए थे, जो जहाँ के ऐतिहासिक सम्मेलन मनाया जा रहा है, सभी जाति धर्म पंथ के लोगों द्वारा जिस प्रकार से छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जिसको इनकी 390वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ पे आज यहाँ पे मनाई गई और ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये अलग अलग तरीके से तमाम जो जाति धर्म पंथ के लोग आए थे उन्होंने ये बात कही है। इन सब के बातों से तो एक ही बात उभर के सामने में आती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। नागपुर के मोमिनपुरा फुटबॉल ग्राउंड से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।